औरतें ही लिख रही है और मैगजीन oh, so तो था। था। hey आज जो मेरी मेहमान है स्टूडियो में बहुत लंबा सफर है उनका एक्टिंग के साथ और अगर आपको याद हो तो आहट सिलसिला हवाएं और गिरन निजात ये सब ड्रामे हैं जिनमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया लेकिन फिर वो चली गई चौदह साल उनको हमने नहीं देखा इंडस्ट्री में देन शी केम बैक विद माह मीर और उसके बाद यकीन का सफ़र दीदन दिलरुबा और अब रिसेंटली हम उनको देख रहे हैं हम कहाँ के सच्चे थे मेरे साथ आज हैं हुमा नवाब असल हमा वालकाम जी कैसी हैं मैं ठीक ठाक आप बताएँ

ऑबियसली वो तो है एक yeah. मिसिंग सा और क्योंकि कैरेक्टर्स इतने खूबसूरत थे लोग सारे इतने सेट पे पॉजिटिव एनर्जी yeah. थी और सारा कुछ yeah. तो बस बहुत प्यारा सफ़र गुजर गया ये जिंदगी का एक सफर yeah. मेरा मैं तो सोच तो, रही हूँ कि शमीम हलाली जैनब क्यूम लैला वास्ती मायरा ख़ान और फिर उसके बाद मुख्तार कुबरा आप लोगों की तो पार्टी चल रही होगी भी सेट पे आ... नहीं? ऐसे ही समझो हाँ? वरना नहीं हो सकता था वरना दिस वॉज अ वेरी टफ जिसे बोलते हैं कॉन्टेंट ब्यूटिफुल कॉन्टेंट और uh, ये मेरी बड़ी ख्वाहिश लेकिन मैं सबसे पहले सबसे पहले मैं uh, ये अपनी पब्लिक को कहना चाहूँगी कि उमर शरीफ uh, अब नहीं रहे और हैं भी सारी ज़िंदगी आर्ट ख़त्म नहीं होता उनको लोग याद करेंगे और करते रहेंगे दिल जान से और मेरा दोस्त समझें कोलीग समझें भाई समझें जो भी वो उससे मुझे हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली और जब भी उससे मुलाकात होती थी तो एक अजीब सा एक केमिस्ट्री हम लोगों की और वो एक एक इंसान ऐसा चला गया कि अब वो आ, आ तो कोई नहीं सकता कोई किसी की जगह नहीं ले सकता है लेकिन अगर जिस जिस जो जो सुन रहा है उनके लिए मेरी तरफ़ से एक एक सूरफ फातः पढ़ ले तो उनकी रूह को बहुत सवाब पहुँचेगा और इन वो जन्नत फिरदौस में इन तक तो वो वहाँ पर मज़े कर रहे होंगे बट ये कि खिला हुआ है और अब ऐसा इंसान सदियों में नहीं आ सकता बिल्कुल इतनी खूबसूरत तो, बात आपने कही एंड शुक्रिया कि आपने उनको याद किया जी जी मैं तो बिल्कुल बहुत लॉस माजरत हुआ हूँ उन लोगों से जिनको जो मेरे से बीप करवाना चाह रहे थे इंटरव्यू लेना चाह रहे थे लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी और सॉरी करती हूँ क्योंकि ये कोई खुशी का मौका नहीं था जिसमें मैं बात करती कुछ भी लेकिन क्योंकि वो मैं ही जानती हूँ के और मैं नहीं बोल पाती कुछ भी और बहुत फ्रेश था एक दिन पहले हुँ। उनका हुँ। वो सारा कुछ तो अभी भी मतलब दोस्ती उनसे बहुत थी तो मुलाकातें भी रहती थी उनसे काम तो नहीं किया उनसे काम नहीं। तो नहीं किया लेकिन हम लोगों ने एक तो स्टेज किए स्टेज प्ले पे किया हुआ ना ड्रामों में नहीं बट हाँजा मोइन अख्तर साहब अल्लाह उनको भी तो एक टीम थी उस जमाने की एक टीम थी तो बस मैं छोटे छोटे स्टेज हाँ, स्टे प्लेस जब करते थे तो छोटा सा रोल चाहिए होता था। था था, फिर 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 वो वो ही मूव लाहौर ना चले गए, फिर वहां से वहां पर माशाल्लाह दरु उन्होंने अपना सारा कुछ जो भी था, नाम जो भी भी नाम वर्ल्ड। तो एक थोड़ा सा ट्रिब्यूट मैंने मेरा बनता है ऐसे इंसान थे किया आपने, इस वक्त लाइफ में भी बड़े जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी और आप बात ऐसी करते हुए सोचते थे कि जवाब में क्या आएगा <laughs> मैं तो इंटरव्यू करने गई थी हा, 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 और मैं इतना मतलब वो थी स्ट्रेस में कि अच्छा ये बड़ा सोच ना क्योंकि उनकी कि वो इतने सीनियर आपके टाइम दे रहे हैं बट बैड लक सोचे वो फोन चोरी हो गया जिसमें

आप सोच ही नहीं सकते आप यार ये ये चीज दोबारा आप कोई नहीं कर सकते नहीं नहीं वो, नहीं, नहीं, वो बात नहीं, नहीं, नहीं नहीं वो वो ही बस नहीं, हम सबकी है कि अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे बिल्कुल अपने पास बहुत प्यार से रखे और उनकी फैमिली को हिम्मत दे इस टाइम से गुजरने की मेरी दुआ उनकी फैमिली के साथ बस अल्लाह करे

કે વો आर्मी ઓફિસર્સ કા હા હા તો બડી મુશ્કિલ સે इजाजत ملتی થી તો એક બે ડ્રામા મે મારી અમી ને કામ kiya તો અ અમી મારી ટીચર ભી થી પ્રિન્સિપલ ભી થી તો વહા પર જો તેમની કોલીગ્સ થી उसमे से એક કોલીગ तो तो, तो बिकेम અ ડિરેક્ટર ઓકે સોફિયા લતીફી અલ્લાહ انકો જન્નત નસીબ કરે તો انકો એઝ અ જજ બુલાયા ہوا تھا ہم લોકો ને જ્યારે ہم લોકો થિયેટર કર રહે تھے apne school ka school ki baat hai ye हम लोगों ने मर्चेंट्स ऑफ uh, किया था उसकी पंजाबी में हम लोगों ने उसकी या 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 पंजाबी याद है आप में बोल सकती यार मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है एक तो हमने शेक्सपियर को उठाया था टॉपिक भी मुझे कैरेक्टर मिला था तो उसके अंदर अब वो जजेस ने जब वो देखा तो फिर वो प्राइस वगैरह फिर आई गॉट द फर्स्ट प्राइस इन एक्टिंग उसके तीन चार दिन बाद सोफ़िया लतीफ़ी की कॉल आई आ, मेरी अम्मी के पास तो मेरी वालदा ने फिर मेरे से पूछा कि हम करोगी एक इस तरह का ऑफ़र आया है सीरियल है पीटीवी से और अच्छा मुझे राइटर का भी नहीं पता था इतना और शाहिद काजमी वाज़ दी राइटर और मुझे एक्टर्स का भी इतना मैंने कहा नहीं नहीं बाबा मैं तो नहीं कर सकती हूँ ठीक है स्कूल तक ठीक है अपना हंसी मज़ाक ही वो लेकिन फिर उनका वालदा ने फिर मुझे कहा पुश किया अच्छा हाँ बहुत मम्मी पापा बहुत पॉजिटिव थे That's बहुत ज़्यादा कह नहीं करो करो देखो तो ये वो मैंने कहा नहीं मैंने स्क्रिप्ट आ गया भाई वो पढ़ा गया वो फिर वो सोफ़िया लतीफ़ी से फिर फ़ोन पर बात हुई फिर उन्होंने कहा मैंने कहा नहीं मैं तो कुछ नहीं और मेरा वाकई में वो पहला वाला सीरियल में जो फर्स्ट सीन था वो आई वॉज़ लाइक like, बिल्कुल शिवरिंग यार मैं कहा ये मैं क्या कर रही हूँ इस तो कुछ भी नहीं होगा आहिस्ता आहिस्ता फिर अब जो भी हुआ मेरे ख्याल फोटीन एपिसोड्स का था वो बहुत डेरिंग स्टोरी थी बहुत ज़्यादा कि वालद मर जाता है यानी कि मेरे बाप की डेथ हो जाती है और ये बच्ची जो होती है ये कहती है कि अब मेरी माँ के लिए क्यों रहेगी इसकी शादी करवाते हैं तो फिर वो ये था कि मैं अपनी फ़ोर्स कर रही होती अपनी वालदा को जिसमें मैंने थप्पड़ छप्पड़ भी खाए बड़ा कुछ अच्छा। हुआ कि आप शादी क्यों नहीं करती हैं अच्छा। और मुझे पसंद आ जाते हैं एक टीचर जो हमें प्रोफेसर होते हैं पसंद आ जाते पसंद हैं आ जाते है। अच्छा अब पब्लिक का ये है कि ये इस इन दोनों ये दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो गए तो उसमें भी नैर कमाल उसके अंदर जो कास्ट थी कंवल नसीर अपनी और वहाब और बहुत प्यारी वो भी एक घर सा माहौल सा बन गया था शाकिर उज़ैर उस ज़माने में एटी हुआ करते थे ओके। तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की और लिटरली सब ने मिल के ना मुझे एक तरह से ग्रूम किया पैम्पर किया डायलॉग्स हम लोग उस ज़माने में तीन महीने चार महीने तक तो हमारी रिहर्सल्स होती थी तो वो बाय द टाइम वो पूरा फुटेज हुआ करता था वहां से वहां तक जाना है लाइनिंग होती थी उधर से इधर जी सीरियसली इधर यहाँ आके बोलना है फिर ये कैमरा आपको ये वाला फॉलो करेगा अभी मतलब कैमरा भी जी बिल्कुल और इधर आते थे अगर भूल गए तो डायलॉग भूल गए हाँ। अब क्या बोला है <laughs> वो करके वो सब बहुत जरा मुश्किल होता था मुश्किल होता था वो भी इतनी यंग एज पे जी मुझे तो लगते लोगों के सामने परफॉर्म करना भी जो इस तरह आपको देख रहे हैं। हाँ। मतलब स्टेज पे तो और भी लोग होते हैं ना। नहीं फिर का... मैंने स्टेज प्लेस किए बहुत मतलब स्कूल से बाय कॉलेज से बाहर यहाँ पर कराची में भी किए okay. फिर दुबई भी गए हम लोग मोन अख्तर वगैरह हम सब पूरी टीम हमारी okay. वो फिर मैंने तो स्टेज प्लेस का कैसे आया आपने खुद किया ने किया, आपको किया देखने के बाद फ़ातिमा बजिया का भी किया मैंने हर साल उनका होता था वो जैपनीज वो करवाते थे तो बजिया के भी मैंने थिएटर किए फिर मैंने रेडियो प्रोग्राम्स बहुत किए रेडियो प्रोग्राम्स में बहुत मज़ा आता था बिकॉज आपको एक्सप्रेशन देने होते थे तो स्पेशली अगर कोई हॉन्टेड सा प्ले चल रहा है उसके अंदर आपने वो साउंड्स देनी उस किस्म की ये वो तो वो था मेरा मीडिया से थोड़ा सा कीड़ा हो गया था फिर मुझे <laughs> <नहीं। laughs> फिर सडनली ये हुआ कि कराची से कुछ ड्रामे वगैरह ऑफर आना शुरू हुए तो मैं कर, पिंडी को छोड़ना नहीं चाहती थी सामाओ तो तो अच्छा तो उस में उस में हर तो कोई बड़ा काम कर रहा था मुझे याद है है अब 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 जितना हाँ, चीजें हो गई हैं नहीं 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 थी नहीं थी नहीं थी एक्टर्स बहुत लिमिटेड होते थे एक्टर्स का होता था कि अगर अगर कोई दूसरा आपको बुला रहा है मतलब कोई और जैसे लाहौर आपको बुला रहा है तो एक्टर को इजाजत लेकर परमिशन लेकर स्पेशली वो जानी पड़ती थी काफ़ी मुश्किल हुआ करता था उस जमाने में लेकिन अब तो माशाल्लाह से वो प्राइवेटाइज हो गया है तो अब वो फ्रीलांस हो गया तो <coughs> फिर मैं कराची सिर्फ दो मेरे ख्याल दो कमर्शल्स के लिए आई थी दो एड्स किए थे मैंने फिर उसके बाद मैंने बनकर मैंने नहीं किया कोई ड्रामा मैं उसके बाद मैं अमेरिका चली गई थी ये चौदह साल वाला वफा भी आया था ये पहले आया था ये छोटा वाला आया था वो आया था वो मैं इंटीरियर uh, डिजाइनिंग करने के लिए चली गई थी न्यूयॉर्क uh, वहाँ फिर मैंने मैं तो आप अपनी एजुकेशन कर रही थी हाँ वो, वो, वो मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से करके हाँ। फिर मैंने कंप्यूटर्स uh, में उस जमाने में एक लैंग्वेज आई थी नई नई कोबॉल okay. वो मैंने किया था लेकिन मेरे ख्याल उसमें मैं फेल हो गई थी तो <laughs> <Okay>. <laughs> कोई बात नहीं है <laughs> लेकिन फिर मैंने उसको पास कर लिया था हाँ फिर हाँ फिर इन्टेरे फिर इन्टेरे मैं अमेरिका निकल गई हाँ, वहाँ मैं हाँ। मतलब तो मैंने इंटीरियर डिजाइन की डेकोरेशन निकल गई थी फिर मैं नाइन्टी में वापस आई तो नाइन्टी हाँ डैड पास हुए फिर मैं उसी साल में कराची आ गई मैं खाली नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री में मैंने फिर यहाँ आके आहट किया था हाँ हुँ. आहट किया था का एक तो तो मैंने फिर उनके साथ, साथ एक प्ले किया उन्होंने कहा गेस्ट पेरेंट्स है मैंने कहा मैं करूँगी मैं बिल्कुल करूँगी तो कहने छोटा है मैंने कहा आई माइंड तो वो किया मैंने फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा अब एक और सीरियल है वो कर लो एंड निजात, निजात। yeah, उसके बाद फिर वो गेम ऑन वो बस चलता रहा फिर वो चल पड़ी गाड़ी फिर वो चांद गिरन और भी बस होता रहा होता रहा हवाएं पहले पहले था पहले था ये हवाएं ये 96 का है। okay, okay. फिर हमने लंदन में किया था आवाज़े mm -hmm. फिर यहाँ पर फिर मैंने दो तीन और महरीन जबार के साथ मैंने कुछ काम किया था mm -hmm. उसके साथ टेलीफिल्म्स भी की थी टेली फिल्म मैंने वैसे भी की थी डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ तो बस अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा था हाँ था, अच्छा आ रहा था। हाँ, था। mm -hmm. लेकिन हालात बहुत बुरे हो गए थे पता है बहुत uh, क्या बोलूँ हालात कुछ मज़ा नहीं आ रहा था एक्टर्स वो एक्टर्स नहीं, नहीं रहे थे राइटर्स बदल रहे थे क्योंकि चीज़ें प्राइवेटाइज हो रही थी

आ, लेकिन हम चाह रहे थे कि अब इसको प्राइवेटाइज हो जाए ये मतलब एक एक्टर एक है वो तीन महीने के लिए कहीं और काम ही नहीं कर सकता ठीक okay. है हाँ okay. पैसे मिल रहे थे वो अच्छे पैसे थे उस टाइम पैसों hmm. की वो वैल्यू हुआ hmm. करती थी hmm. लेकिन उसमें कोई सर्वाइवल नहीं कर सकता था जैसे अभी कर रहे हैं एक्टर्स hmm. yeah. लेकिन वो जो हमें पैसे मिलते थे उस पर कोई सर्वाइवल नहीं था वो आप अपने शौक से कर रहे अपने हॉबी से कर रहे हैं अपने दिल से कर रहे हैं तो वो हो रहा था लेकिन फिर कुछ एक्टर्स कराची के थे कुछ कोयटा के जितने भी हमारे स्टेशन थे उसके उन सब ने हमने मिलकर कहा कि चलो ठीक है अब करते हैं नेटो करते है, और अब जरा तो सा अरसा आप लोगों ने ये किया तकरीबन तीन महीने दो तीन जाके रोड पे बैठ जाते जी ऐसे हाँ, ही होता था गर्मी और सर्दी और बिल्कुल ये जो माशाल्लाह आज जो प्राइवेटाइज हो गई है ना चीजें ये हम लोगों ने शुरू किया था उस जमाने में तो सारे एक्टर्स उस टाइम एक अच्छी बात हुई थी सारा एक फोरम बन गया था और बड़ा यूनाइटेड सा था जो कोयटा में होना है अगर नहीं करना है किसी ने नहीं जाना है धरना है तो उस दिन वहां पर भी धरना होगा okay. इतने घंटों का धरना होगा तो फर्स्ट टाइम द कम्युनिटी जी हमारे बड़े एक्टर्स थे, थे जो चलते हुए ड्रामों के चलते हुए okay. जो ड्रामे थे शूटिंग करवाते mm -hmm. पी टी के वो नहीं जा रहे थे तो ड्रामे सफर कर रहे थे डायरेक्टर सफ़र कर रहे थे हर ऑब्वियसली हर कोई सफ़र करेगा फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि प्राइवेटाइज होना शुरू हुए और उसके बाद बहुत सारे हमारे ऐसे एक्टर्स थे जिनका बेड एन जो भी मतलब, है वो इस पे बटर इसी ही पे ही है और दिया दिया। अब माशाल्लाह से दे आर डूइंग रही थी एक अब लग रहा है कि गलत हो गया शायद उस वक्त कुछ कॉन्टेंट में ओके, okay, so मुझे लगता है कि जो भी हुआ वो आप लोगों ने एक वजह गैप जिसकी वजह से आप लोगों ने सब किया राइट right? um, लेकिन कहाँ क्या चीज मिस हैंडल hmm. हो गई hmm. कि वो बिल्कुल से आउट ऑफ ब्लो कर गया यू उसे दैट या नहीं आ, नहीं मैं बताती हूँ बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी इसमें इसमें एक तो ये हुआ कि हमारे वाकई में हमारे आहिस्ता आहिस्ता से ना होना शुरू हो गए हमारे डायरेक्टर्स जो थे माशाल्लाह से वो भी जो ट्रेनिंग लेकर आते थे जितने जितने अरसे की हर तीन महीने बाद हर छः महीने बाद उनको बाहर जाना होता था ट्रेनिंग लेने के लिए पढ़े लिखे होते थे हमारे आ, पुराने डायरेक्टर्स को कम से कम एम ए होना चाहिए होता था और ए डी को भी असिस्टेंट okay. इसिस, डायरेक्टर को भी पी टी वी के रूल्स थे ये पी टी वी के रूल्स थे तो वो अच्छा वो आहिस्ता आहस्ता से वो ख़त्म होना शुरू हुआ क्योंकि अब अब हम प्राइवेटाइजेशन पे आ रहे हैं अब जो राइटर्स थे ना पुराने वाले अब उनका कंटेंट जो होता था वो लेना लोग कम अब जो मॉडल्स जो थे ना वो जो बड़ा मिक्सिंग हो गई मॉडल्स एक्टिंग में आ गए एक्टर्स जो थे वो बेचारे डिसहार्ड हो गए वो उनको कोई ले नहीं रहा और वो सारा एक अजीब सा मसला हो गया था तो उसमें थोड़ा सा उस ज़माने में काफ़ी कन्फ्यूजन मच गया था कि अब जो मॉडल्स आ गई हैं या आ गए हैं सारे एक्टिंग में आ गए तो फिर आप ड्रामा एक क्रिएट जो होता है ना वो बड़ा एक एक एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है hmm. कोई भी कोई भी आर्ट को आप ले लें फॉर्म ऑफ आर्ट तो उसके अंदर ना वो आप अनफेयर नहीं आप कर नहीं सकते हो hmm. आप करोगे आप सामने आ जाओगे okay. तो अब आप जो कंटेंट देख रहे हो hmm. एक तो बहुत ज़्यादा एक जैसा है आई मीन थ्रू आउट जहाँ पर भी मैं oh, लगाऊंगी वो एक जैसा है वो एक जैसा है वो एक oh. जैसा है अभी मैंने पिछले दिनों एक जगह और भी इंटरव्यू कर रही थी तो मैं तो लिटरली रिक्वेस्ट की थी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ ये औरतों को अब्यूज़ कर रहे हैं औरतें ही लिख रही हैं औरतों को ही अब्यूज़ कर रहे हैं ये मत करें इससे कॉन्टेंट ख़राब हो रहा है और इससे क्या मुझे ये समझे कि इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कोई पॉजिटिव चीज़ें हों तो अभी अभीरा का मैं जो प्ले कर रही हूँ माशाल्लाह से मेरा ख़्वाब था भाई दबे आई ऑलवेज टू बल्कि मैं जब अमेरिका में भी थी मैं उमेरा के यूट्यूब पे वहाँ पर वही तो था बस उससे मैं कहती यार मैंने उमेरा के प्लेर्स देखने वो फिर वो पता चलता है ना फिर अगर वो औरत को बुरा भी दिखा रही है औरत को नेगेटिव भी तो उसका मोटिव है कोई इस तरह नहीं क्यों देर इज अ जस्टिफिकेशन यस यस लेकिन वो हर कोई उमेरा तो नहीं हो सकता ना नहीं, नहीं, नहीं। बट तो, सीख सकते हैं हाँ लिख तो सकते, सकते हैं इंस्पिरेशन हो सकती है बिल्कुल हो सकती है लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो अब अब जो भी हम लोग भी क्या कंटेंट जो हमारे मीडिया दिखा रहा है उनको सबको पता है सबको पता है कि भाई ये कंटेंट में इतना इतनी मार है इतनी मार है औरत को इतना मार रहे हैं गिरा रहे हैं और थप्पड़े मार रहे हैं ये हो रहा है वो है। वो नहीं वो ज़रा स्ट्रॉन्ग पुराने भी तो होते थे यार ड्रा पहले जो कंटेंट था पहले जो ड्रामे बनते थे तीन कैमरे हैं सेट पे और वो सारा कुछ और कंटेंट का ये हाल था कि लिटरली अगर हमें लाइनें चेंज करनी होती थी तो राइटर को फ़ोन किया जाता था और फिर राइटर से डिस्कस किया जाता था कि हम ये लाइनें जो है ना इतनी चार लाइनें ये चेंज कर रहे हैं ये डायरेक्टर बोलता था राइटर से परमिशन लेते थे परमिशन लेता था, था। क्योंकि राइटर की जो लाइनें लिखी हुई होती थी ना उनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे वो ऐसा नहीं है मुश्किल नहीं होती थी मतलब अगर हसीना मोइन है वो कुछ लिख रही हैं और उन्होंने कुछ लिखा है तो वो कोई वजह है और अगर उनका कोई चेंज करना है तो उनसे पूछते हैं हसीना पा ये अगर वो अगर आप कहें तो अगर आप सही समझे तो ऐसा हो सकता है हाँ हाँ बेटा जो भी करना है करो ठीक है बनती है बात बिल्कुल ठीक है तो वो होता था अब ये है कि अब, अब करते तो हैं मतलब हम लोग बोलते तो हैं लेकिन आज ऐसी लाइनें होती हैं जहाँ एक्टर्स अटक जाते हैं हम लोग कि हम ये क्यों बोल रहे हैं हम ये क्यों बोले हम डायरेक्टर से जाके डिस्कस करते हैं डायरेक्टर कहता है नहीं नहीं बोलना तो नहीं लेकिन इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं बन रही है इस लाइन की उस लाइन से ये तो पहले वो था तो अब ये हो गया अब वो है और आप फ्रेश हो जाए मैं चाय लेकर आती हूँ यार ये कब तक चलेगा ये आप फ्रेश हो जाए मैं चाय लेकर आती हूँ <laughs> <laughs> ये मजाक हो गया अब लिटरली फ्रेश ले कर कोई हम भी भी एक गया है दो घंटे के लिए कितना गंदा हो क्या आया क्या फ्रेश हो जाए <laughs> सुबह से ऑफिस गया था बिचारे ने बहुत मेहनत की है। <laughs> ड्रामे का मतलब <laughs> वो बताया कि किसी को भी कोई भी, भी बीमार हो रहा है उसको कुछ भी अटैक पानी लेकर पानी पानी जरूरी नहीं है हर वक्त पे लाना सॉरी आपने पानी पिला दिया उनको आपने पूछा नहीं इनको पानी की जरूरत नहीं थी तो मतलब ये वो जिसे बोलते हैं ना क्लीशे एक चीज अच्छा और बहुत ही मजे की बात आपको बता हर ड्रामे में जितने बार आप नाश्ता देखेंगे वो उसी तरह की टेबल सजी हुई <laughs> होगी वो ही यूं करके टोस टोस्ट टोस भी नहीं कच्चे वाले ठीक है ब्रेड और वही एक शरबत ट पता नहीं क्या आ, क्या कलर ऐड करना है क्या है हर वो पिएं या ना पिएं वो ज़रूरी होता है रखना तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो डिज़ाइनर होना अब बहुत ज़रूरी है हमारे कुछ राइटर डायरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ये रखते हैं दिमाग में नहीं यार ये इसकी ज़रूरत नहीं है नहीं। इसकी ज़रूरत नहीं है इसको हटाओ ये हार्ड ड्रामे में ये आप टैंग दिखा रहे हैं हार्ड ड्रामे में एक ऑरेंज कलर की या येलो कलर की नाश्ता आप दिखा रहे हैं और एक ही तरह के लाइन से और एक ही तरह के वो रखे हुए अंडे हर एक तो कौन खाता है यार रात हो गई <laughs> किस घर में तो सुना इत... कितना इतनी... नेचर से दूर चले गए यार लक्जरी डिनर या खाना हो रहा यार अच्छा कुछ तो तो हर बार हाँ। वो बिरयानी या पुलाव ही होगा खाने में नहीं रोज नहीं ये जो जो अभी जो हम लोग ने प्ले किया ना हम कहाँ के सच्चे थे इसमें आप थोड़ा सा एक दो चीज मैं बताऊंगी नहीं अभी आप फिर आगे देखना है इसमें बड़ा मजे मजे की चीजें नेचुरल चीजें यूज की गई है इसमें और कहीं कहीं टचेस दिए हैं वो वाले जो बड़े नेचुरल बनते नाइस तो ये था कि उसमें मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा लकीर के फ़कीर हुए हैं इस टाइम जो दूसरा डायरेक्टर कर रहा है वही करना है वैसे ही शॉट्स लेने हैं अगर एक लड़की आके लेटती है या जो भी आके लेटती है तो दुपट्टा जो है उसी तरह यूँ करके साइड पर रख देना है अच्छा ये एज एन एक्टर हम लोग बहुत यूज़ करते मतलब नोट करते हैं उधर भाई दुपट्टा इधर भी रखा जा सकता है दुबट्टा पीछे भी रखा जा सकता है <laughs> जरूरी है कि तकिए के साथ यू करके दुबट्टा यू गए हैं वो एक्टर से ज्यादा राइटर्स से ज्यादा वो ज्यादा पूछते हैं नोट करते हैं जो हम कि अच्छा ये तो मैंने भी मिस कर दिया बिल्कुल 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 अब वो सोशल मीडिया इतना ऑन हो गया है ना कि वो हर चीज बड़ी माइन्यूटली वो जो है ना वो बिल्कुल वो कर रहे हो बट <laughs> <कर रहे हो। laughs> आपने फिर ये सब हुआ जब स्ट्राइक का हुआ और प्राइवेटाइजेशन हो गई फिर आप छोड़ के चली गई एक्टिंग की फील्ड को क्यों मैंने उस टाइम ना एक्टिंग को बहुत सीरियस कभी लिया भी नहीं था okay. कि इस कोई बस यही है बस ख़त्म यही है मेरा सारा कुछ जिंदगी का दारोमदार मेरा इसी पे है मैंने

जो कि पाकिस्तान में नहीं कर सकती थी मैं तो आप समेट के यूएस हाँ, हाँ, <laughs> ही खाली नहीं गई थी और भी मेरे साथ और भी लोग थी, हाँ। थी थी मतलब हो सकता है बट कोई एक चीज हुई जिसने कहा कि बस अब हाँ ये जब मैं एक्चुअली जब मैं आई थी कराची से जब मैं प्लेस वगैरह कर रही थी Uh, उसके बाद uh, काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिल रही थी मुझको वो सारा कुछ था uh, लेकिन मुझे एकदम ही uh, हमारा एक ग्रुप था दोस्तों का जिसमें डायरेक्टर्स भी शामिल हैं तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार कुछ ऐसा करते हैं कि चलो सब बाहर चलते हैं अच्छा हाँ हाँ हा, okay. तो आहिस्ता आहिस्ता से क्योंकि उनको भी बाहर की हवा लगी हुई थी hmm. तो मैं भी पहले जा चुकी थी बाहर तो हमने कहा यार बाहर चलते हैं और देखते हैं इन्जॉय करते हैं मतलब कम से कम कोई आंखें तो नहीं हमें घूरेंगी ना यहाँ पर मतलब कोई देख घूरने वाला तो नहीं होगा ना कोई देखने वाला तो चाहे टीवी पे आते या ना आते वो तो वैसे ही मतलब हालात भी बहुत ख़राब हो चुके थे उस ज़माने में बहुत हालात ख़राब हो हा, हो चुके थे मतलब हम लोग बाहर अकेले निकल ही नहीं सकते थे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा

चार महीने में एक प्ले करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आ मतलब चार महीने तक वो तो तेरह एपिसोड्स होते थे न, तो तीन महीने का होता था हमारे सीन्स यार बड़ा मज़ा आता था, था हमारे तीन से चार सीन्स होते थे रोज के लेकिन वो फिर नज़र भी आते थे ठीक है ना मतलब वो वो काम पता भी चलता था और अब तो ये है कि कट टू कट है सिंगल कैमरा क्या के, है वो कट टू कट है एक तरह से ईजी हो गया है मतलब वो नहीं है कि आप एक ही गो में बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं तो अब मतलब ये कि सिंगल कैमरा ये पॉजिटिव बात है यार वो जो हमें अच्छी लगती है प्रॉम्प्ट करवा लो ना यार okay. <laughs> <laughs> हो आसानी होगी आसानी होगी ये थोड़ी बट अब इफ़ यू लुक बैक तो आपको लगता नहीं है कि लेकिन मेरा एक ख्वाहिश जरूर है कि हमारे जितने भी अभी नए जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं आई विश आई विश वो उस जमाने में आते थोड़ा सा काम करते ठीक है बदल गया है हर चीज़ बदली है पूरी दुनिया बदल बदल गई है लेकिन वो एक, एक स्कूल भी था बिल्कुल मतलब तीन महीने का एक हाँ। वो स्कूल था कि जो जो डायरेक्टर्स होते थे वो सिखाते थे आपको हाँ। लिटरली वो जाने नहीं देते थे वो आपको सिखाते थे एक्टिंग तो वो एक तरह से वो बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ करता था फ्रॉम फ्रॉम अ डायरेक्टर वो अब तो अब तो बहुत कम वेरी रेयर वेरी रेयर मतलब वो अब डायरेक्टर्स आप, आप क्या करें यार प्रोडक्शन हाउस का भी उनको भी मजबूरियाँ हैं उनकी भी आई अंडरस्टैंड yeah. उनको भी जल्दी जल्दी देने होते हैं प्लेस मतलब आपको दिन में आपने बारह सीन्स करने हैं तेरह सीन्स करने हैं जो कि बहुत हैं yeah. लेकिन वो क्या करें उन्होंने हर महीने दो महीने बाद तो देना होता है, है, होता है प्रोडक्शन हाउस करना होता है हाँ. तो उसमें प्रोड्यूसर ने पैसे बना दे उसने भी पैसे बनाने उसने भी किसी के साथ मिलके जॉइंट वेंचर किया हुआ है तो बहुत सारी बहुत सारी इसमें मतलब है इस थे। थे। आप छोड़ के गई थी बिकॉज एंड जो चीज़ें हो रही थी उससे आप लोग इतने खुश नहीं थे लेकिन वापस आई हैं तो मोरोलेस सिचुएशन तो वापस हाँ। शायद उससे ज्यादा खराब हो गई है लेकिन हम आपको देख रहे हैं वापस तो में आई आप सही कह रहे हो वापस में आई थी वालदा मेरे पास ही थी पहले में उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी उनको ब्लड कैंसर हो गया था सो okay. so, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उनको किसी तरह भी वो चाह रही थी कि मेरे वालिद जहाँ पर बैड हैं hmm. अम्मी भी उधर ही हो साथ वाली तो hmm. डॉक्टर्स ने वहाँ नो नो कर दिया था तो आई हैड टू ब्रिंक ऑल द वे फ्राम यू एस टू पाकिस्तान तो मैं यहाँ आई ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं मिली थी मैं वापस चली गई उनको छोड़ के hmm. और फिर कोई चार पाँच महीने बाद पता चला कि उनकी डेथ हो गई है okay, uh -huh. फिर मैं नेक्स्ट ईयर उनकी बरसी पे आई थी okay. और फिर मैं कराची आई कराची आई तो यहाँ पर मेरे बहुत पुराने आ, कुछ डायरेक्टर्स थे uh -huh. उन्होंने उनसे मुलाकात हुई उस ज़माने में यहाँ हेल्थ टीवी जो था ना uh -huh. ज़ियाउद्दीन का उसके लिए छोटे छोटे पंद्रह पंद्रह मिनट्स के स्किट्स कर रहे थे okay. तो वो मुझे मैंने कोई पंद्रह वो किए थे दस दस मिनट के अच्छा तो जो डायरेक्ट से पहले की बात है ये माह मीर से पहले की बात है, है। माह मीर तो हाँ हाँ, हाँ हाँ ठीक है तो फिर उन्होंने कहा कि आ, ऐसा करो तुम क्यों नहीं आ जाती बड़ा अब तो बड़ा फैल गया है बड़ा ड्रामे अच्छे बन रहे हैं ये हो रहा है रहे, वो हो रहा है ये हो रहा है मैंने कहा अभी तो मैं जा रही हूँ तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आऊँगी तो मैं वापस चली गई फिर मैं नेक्स्ट ईयर आई और फिर मैंने आके माह मीर की अम शहजाद की वो की मैंने फिर उसके बाद मैं पिंडी से मैं कराची आई फॉर माहमीर अह उसके बाद फिर शो ऑन हो गया जी <laughs> फिर, आ, फिर आपको वो दोबारा आपको याद हाँ। आ गया ये क्या मजा था हाँ। मैं, फिर। ये क्या टेस्ट था जो मैं भूल गई थी हाँ एग्जैक्टली exactly, वो वो होता है माहमीर करते हुए आपको बड़ी मैं बहुत नर्वस थी नर्वस थी इतने बहुत नर्वस थी हां कैमरे को फेस कर रही हूं सारा पर वो हो जाता है ठीक हो जाता है प्रैक्टिस एक्टिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है फर्स्ट 5 मिनट्स फिर आप यू मस्ट बी हां 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 स्लाइडिंग हां वो तो, हाँ, तो कोई हाँ, मसला नहीं था शुक्र है बहुत रोल भी नहीं था पता है <laughs> अगर बहुत सारा एकदम मिल जाता ना अच्छा फिर मैंने जो सीरियल किया था यहां के <laughs> वो भी मेरे ख्याल में पहले फोर्थ फोर या फाइव एपिसोड्स में थी एंड दैट वाज गुड फॉर मी आपने slowly, in a way. हाँ, in a way. फिर मैंने okay. एक सोप पकड़ लिया <laughs> तो उससे भी फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस होती गई फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर करती रही ऑफ एंड ऑन फिर लोग भी अब इतने आ गए हैं yes. कि मैं ही नहीं करूंगी कोई और कर लेगा True. जो भी है यू you नो know, हाँ. हाँ, तो फिर जो मार खाई ना अभी वो कोविड hmm. कोविड yeah. की वजह से मैंने कोई देर मैंने क्या मेरी बहुत कोलीग एक्टर्स वगैरह ने कोई डेढ़ साल तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया डर गए थे यार टोटली बहुत डर गए थे लोग कर रहे थे लेकिन But आप आपने स्पेशली नहीं मैंने हाँ तो 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 हाँ हा, घर में टोटल अपने हुँ। को हुँ। आ, रखा और फिर उसके बाद एक ऑफर आई नीना ने मुझे कॉल किया और अपना इंट्रो करवाया तो नीना ने कहा अच्छा मैं मैंने नीना से कुछ हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला लेकिन मैंने नीना को बोला नीना मुझे थोड़ा टाइम दो गया अब मुझे स्क्रिप्ट कह लगी इट्स अ वंडरफुल स्क्रिप्ट और ये और वो उसने मुझे बड़ा कमफ्यूजोन दे दिया ना hmm. तो मैंने कहा अच्छा अब फिर मैंने अपने दोस्त कोलिग्स वगैरह थी उनसे बात की उन्होंने कहा यार हम लोग भी कर रहे हैं कर लो कर लो एंड देव लिटरली फोर्स्ड मी टू डू दिस कौन है अच्छा हाँ तो <laughs> so,

लेकिन स्क्रिप्ट मुझे जब मैंने पढ़ा ना तो मुझे मज़ा आया hmm. मैंने मतलब पढ़ा yeah. पूरा पढ़ा yeah. तो मुझे फिर मैंने कहा हाँ काम तो बहुत था और बड़े अरसे बाद yeah. डेढ़ साल बाद प्रैक्टिस ही नहीं रही थी yeah. काम तो बहुत था लेकिन मैंने कहा कि चलो यार अल्लाह का नाम लेते हैं ऊपर वाला तो है ना yeah. तो <laughs> वो हिम्मत देगा तो बस yeah. फिर मैंने आ, जब मुझे बाकी भी पता चला कास्ट में कौन कौन है और जब मुलाकात तो हुई नीना आई उसने वाटर देखी उसने बताया समझाया मुझे कैरेक्टर okay. गेटअप बताया उसने मुझे okay. मैंने कहा मैं कैसे करूँगी यार जुड़ा ये वो सारा कुछ लेकिन मैं जुड़े वाला कर चुकी हूँ उससे पहले भी तो खैर फिर वो फिर पता नहीं शिप खुद ही चलना शुरू हो गई बोट लेकिन जब बड़ी होंगी तो बड़ा आपको

फारूक साहब क्या वो <laughs> तो जबरदस्त फारूक साहब सलाइकुम क्या मैं बोलूं अभी तो के लिए तो उन्होंने आपको क्या आ, जब आपकी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या ब्रीफ दी थी आपको कैरेक्टर के लिए पता नहीं क्या बोला था बस वो सेट पे जब हम आए हैं ना और जिस तरह वो मैं तो कहती हूँ कि भाई वो 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 डायरेक्टर्स में से हैं मतलब जो कि मैं चाहूँगी कि हर कोई उनके थ्रू जरूर काम करे या। या। वो एक स्कूल है पूरा का पूरा या। यार पूरा हाँ तो अभी भी जब वो उनका जब वो एक्सप्लेन कर रहे होते तो पुराने डायरेक्टर्स याद आ जाते हैं मुझे वो तो सीन जिस तरह हंसते हुए जिस तरह मतलब गुस्सा नहीं आता उस बंदे को यार मतलब बिल्कुल अच्छा। भी और इतना वो जिस तरह वो

क्या वो वाकई महरीन से प्यार करती हैं या ये गिल्ट है कि जब वो महरीन को छोड़ के चली गई थी जिसकी वजह से वो ये सब चीज़ें कर रही हैं उसका इतना साथ दे रही हैं अच्छा तो देखो जो खलाएँ होती हैं ना वो बहनों के बड़े नज़दीक होती हैं बहने बहनें तो होती हैं नज़दीक बहुत कम होता है कि नहीं बन रही आपस में ये वो हो रहा है वो हो रहा है हालों का एक नेचुरल सा एक खुदा की तरफ से एक बॉन्डिंग है टूवर्ड्स उनकी भाजियाँ भतीजियाँ ये वो अब मुझे भी अगर मेरी खाला याद हैं मतलब दोनों की डेथ हो गई है और मेरी वालदा ये तीनों बड़ी आपस में यूँ थी यार मामू हो या ना हो जो भी हैं तो खालाओं की बॉन्डिंग ना कोई और होती है. है तो वो मैं समझ रही मैं इसमें मैं यही सोची थी कि नहीं ये कहीं से ज़बरदस्ती का कोई बॉन्डिंग नहीं मैंने माहिरा के साथ क्रिएट की आ, ये एक फिर मैं और माहिरा के सीन्स भी कुछ ऐसे इंटेंस सीन्स हो जाते थे yeah. ना यूं करके बिल्कुल क्योंकि मुझे पता है वो भी सीन में मैं भी सीन में हूँ yeah. और वो इंटेंस मोमेंट्स है कोई लाइट सीन भी हुए हमारे yeah. तो कुछ बहुत इंटेंस सीन्स तो एकदम उस सीन के अंदर आ जाते थे हम लोग केमिस्ट्री बहुत अच्छी है आप दोनों की ऑन स्क्रीन हां लाइक है ना वो लगता नहीं है कि वो प्रिटेंड करें लाइक like, हाँ, 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 हाँ. कनेक्शन तो है वो वो ऐसा नहीं है कि मशल को वो लाइक नहीं करती है नहीं। उसने बोला है कि मेरी मशल से कोई वो लेकिन अपने अपने बेटे के लिए नहीं वो उसने बोला है बार बार कि देखो मशल भी मेरी जान है मशल को भी मैं प्यार करती हूँ तो लेकिन हाँ एज मैंने तो हमेशा से हमेशा से मैंने इसको महरीन को ही तुम्हारे लिए रखा था दिमाग में तो पर वो जब जब और फिर उसका ज्यादा कॉर्न मैं इसलिए हो गई थी कि मैं देख रही थी कि वो जिस घर में पल रही है वो बिल्कुल एक नेगेटिव वाइब्स के अंडर पल रही है तो माँ छोड़ चली गई है उसको पास? लेकर क्यों नहीं तो तो आते तो, हैं ना देखो जब मैं को आती हूँ को आती हूँ तो मैं जब ये डिसाइड करती हूँ कि अब शादी अबाउट टाइम जब फोर्स कर रहे होते हैं सबके बेटे की शादी करा दो मशल से और ये और वो तो मैं उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता टेम्पो में बढ़ाती हूँ कि नहीं मेरा ख़्याल है कि वो ज़्यादा महरीन ज़्यादा बेहतर रहेगी नहीं तो अम्मी मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी ना तो वो सारा कुछ से वो, वो तो वो आल्टअप हुआ है तो फिर वो ये होता है कि अभी अभी देखना आगे गय। आगे आगे क्या होने वाला हाँ हाँ तो मेरी तो मिलने क्यों नहीं गई जेल में बहुत दुख है हमें मेरीन के साथ साथ आपने लास्ट एपिसोड देखा था? हाँ एक हफ्ते बाद क्यों एक हफ्ते बाद भेजा मतलब हम लोग सब रो रहे थे महीन के साथ कि तो और, हाँ, और सबसे ज्यादा हमें दुख आपसे था शिकवा आपसे था महरीन ने पता नहीं इतने उसे हम हाँ, महरीन के बिहार पे हम भी शिकवा कर रहे हैं वो मजबूर भी थी के बेटा वो मजबूर हो गई थी एक तरह से शक नहीं था उसको नहीं नहीं शक नहीं था मजबूर बस थी डिप्लोमेटिक हाँ, थी थोड़ा सा खेल बहन ने भी छोटी ने आके पुश किया कि आप आप ना, आप तो चली जाती साला साले पर Exactly, तो, हम तो यही कह रहे थे और, और कोई जाए ना जाए सफान हाँ, पहुंच गया सफान से पहले हम चाहते थे साले पहुंच हाँ, हाँ, तो हाँ, वो हाँ, हाँ, नहीं हुआ तो हम भी हमें भी शिकवाया तो खैर उसको लाने वाली भी मैं ही हूँ हाँ. so, okay. हाँ. तो अस्वद जो है

ये महरीन का भी प्रपोज़ल उसको आगे करना है और वो भी आ, वो इतना अगेंस्ट हो चुका है क्योंकि उसको भर दिया गया है थ्रू डिफरेंट चैनल्स कभी मामू भर रहे हैं कभी ममानी कभी ये मशल उसके अगेंस्ट कर रही है तो मैं मैं कहा यार अब इसको जो पटाना होगा ना वो मैं नहीं पटाना है और किसी और तरीके से पटाना है एक प्यार से एक बड़ा हिप वो होकर खेलना है गेम <laughs> खेल मेरा अगला सवाल यही इसी पे आ रहा था कि ये सालिया जो है वो टिपिकल पाकिस्तानी अम्मा है ना जो इमोशनली बच्चे हाँ, को ब्लैकमेल कर रही है ना हाँ हाँ उधर फॉरन जैसे उन्होंने लाइन फेंकी तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद मुझे था कि और उन्होंने भी कहा मैं नहीं अल्लाह चाहे अल्लाह हाँ, करे तुम्हारी जैसी औलाद हर हाँ। एक अस्वत तुम्हारे अस्वत हर एक को मिले हाँ। <laughs> उन्होंने मतलब उस बेचारे की इधर जुबान पे कोई शिकवा आ भी रहा हाँ, 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 हाँ। था उन्होंने ठक ठक दो जुमले कुछ नहीं बोले कि वो वो हेल्पलेस हो जाता था हेल्पलेस हो जाए वो टिपिकल हाँ, हाँ।, so हाँ।, typical... हाँ लेकिन वो आगे कहीं जाके कुछ ना कुछ होगा भड़केगा डोंट यू थिंक उनको एक्सपेरिमेंट उनको मतलब एट द एंड ऑफ द डे वो अस्वत को चॉइस नहीं करने दे रही है फिन... आप देखना कि अच्छा और भी बता दिया मैंने ऐ <laughs> चलो भाई ये क्या बात है। ओके हां कोई सेट पे से मजे का वाकया हम कहां के सच्चे oh, थे oh, oh. जो आप शेयर कर सकें कुत्ते को ले आए थे <laughs> 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 कि उसके कि वो दो <laughs> तीन कुत्ते चेंज हुए अच्छा एक तो ऐसा फेरोशियस कुत्ता था कि उसको ले तो आए थे अच्छा अब वो ना ना आधा घंटा हो गया 1 घंटा हो गया उसको हार कोई डरा रहा है कि वो भौके वो भोंक भी नहीं रहा है वो एक अजीब सा जो था वो सूरत हाल क्रिएट हुई हुई थी और अच्छा वो उससे हर कोई डर भी रहा था हर कोई डर रहा था वो था पिटबुल okay. एक खौफनाक कुत्ता होता है एंड में ना जब सीन वीन हो गए ये वो अब घर ड्रॉप करने की बारी आई ये वो सारा कुछ तो मैं तो वैसे ही ह्यूज कुत्ता होता है वो सारा कुछ तो। तो वो, वो अब वो मैं बैठी हूँ तो इतनी देर में दरवाज़ा तो खुलता है करके ना चीज़ आके पीछे वाले दरवाजे में बैठती है भी और ये मेरे साथ जाएगा तो हाँ वो नहीं कुछ नहीं बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा मैं मैं दरवाजे से चिपक के बैठी हुई थी मैंने कहा यार ये बस इसका एक अटैक काफी है बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल किया हाँ हाँ बिल्कुल किया ये तो खैर ये तो सारे पता है क्या होता है उस टाइम पे वो बड़े सिचुएशनल होते जो comedy। hmm. जो-जो चीजें होती हैं। हैं हैं अगर आप explain भी करें ना तो वो yeah. वो बात नहीं है। है। पे हम क्या? बड़े-बड़े uh, हाँ, तो हाँ, हमारे साथ हुए hmm. और हर शूट में होते है मेरा yeah. ख्याल yeah. एक वो But, चलता रहता uh, आपको फैंस का क्या रिएक्शन आ रहा है ऑडियंस का क्या रिएक्शन आ रहा है कोई है जो आप शेयर कर सकती हैं? डीएम में मैसेजेस आ रहे हैं या लोग वैसे मिलते हैं तो कुछ कह रहे हैं अरे लोग जो है ना कुछ ऐसा है कि जो लोग वाकई में पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखते हैं वो इवन अपार्टमेंट में मैं रहती हूँ उधर भी कुछ ऐसी खातन है बेचारी जब मैं बाहर निकलती हूँ वो आती हैं मेरे पास और बोलती हैं कि हम लोग ड्रामे नहीं देखते इतना लेकिन हम लोग ग्लूड हो चुके हैं इस, इस हाँ मेरे अपने फैमिली जो बाहर जितने लोग भी हैं वो भी जो नहीं देखते हैं जिनके पास टाइम नहीं है वो और हमको तो वैसे ही लोग देख रहे होते हैं हम टी को तो वो वो बहुत फॉलो कर रहे हैं फिर मुझे माहिरा बताती रहती है उस्मान बताता रहता है लैला बताती रहती है शमीम हिलाली बताती रहती हैं कि वो सारा

वो पहली सेकंड थर्ड एपिसोड तक हुआ लेकिन शुक्र है कि अब वो ना कोई इतना खूबसूरत वो बनाया हुआ है कि कैनवस के हर कोई ब्यूटीफुल लग रहा है खूबसूरत लग रहा है हाँ ये ज़रूर है कि अब देख रहे हैं कि अब इसकी एक्टिंग कैसी है बहुत ज़्यादा इस प्ले को एक्सरे किया जा रहा है यार बहुत ज़्यादा इसको तो टोटल इसको तो टोटल मतलब पता नहीं क्यों एक एक चीज़ इसकी नोट की जा रही है लेकिन ये अच्छी बात है कि इसमें परफॉर्मेंस को भी चेकआउट किया जा रहा है भिल्कुल, भिल्कुल। तो वो जो जो लुक्स हैं क्या लग रहे हैं हम लोग क्या नहीं लग रहे हैं वो सब वो करवर के ना वो आ गए अब एक्टिंग पे आ गए एंड एवरीबडी हैज़ डन वंडरफुल जॉब यार माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह जितने भी ये कोलिग्स हैं एक तो बहुत बड़ा कैनवस नहीं है फैला हुआ नहीं है नहीं। जो भी हैं जितने लोग भी हैं सब लोगों ने एक से बढ़ एक ट्राई मारी थी कि यार ये अच्छा सीन हो जाए पूरी जान दे दो इस सीन में उस्मान तो मुख्तार तो कहते हैं कि आप आराम से रो लेती हैं शायद ग्लिसरीन भी यूज नहीं करती हैं वो कह रहे हैं जब तो आप आपको बोले रोने के लिए आप फ़ौरन रोना शुरू जाती है लेकर आई हैं आप नहीं वो अभी भी मैं आंसू अभी भी आ जाएंगे अगर अच्छा? बोल दिया तो हाँ <laughs> 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 बट क्यों कैसे ग्लिसरीन यूज करती हूँ ऐसा नहीं है लेकिन वो उसकी नौबत ज्यादा आती नहीं है कभी कभार आ जाती अगर टेक्स हो रही है अगर ह्यूमन बॉडी चलो ठीक है एक बार रो लिए दो बार रो लिए तीन हाँ। बार रो लिए चार बार तो तो वो फिर मुश्किल हो जाता है वो कैरी आउट करना फिर हुँ। हुँ। भी True. वो नहीं होते हैं तो पहले दूसरे कभी कभार नहीं आता है लेकिन कभी कभार नहीं मुझे समझना था कि अंदर कहीं कोई कुछ हुआ है तो उसमें ये नहीं है कि मैं कभी फ्लैश बैक में चले जाऊँ हाँ कि कोई मेरा चाहने वाला चाहत वाला ये वो, ये वो ये वो ये वो उसकी डेथ हो गई या जो भी है माँ को याद किया या मैंने अपने किसी पेट को याद किया ऐसा कुछ भी नहीं है कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं चला हाँ बस ये है कि सेंसिटिव हूँ तो वो मेरे ख्याल है वो थोड़ा सा वीक होता है बंदा जो होता है ना सेंसिटिव तो वो जल्दी फील कर लेते हैं इमोशंस जल्दी आ जाते हैं वो टेंस हो जाते हैं इमोशंस का हो जाता है सारा गेम हमारा जो डायरेक्टर है वो जब सीन बता रहा हो तो उसके आंसू आ जाते हैं अब उसके आंसू आते हैं हम कहते हो तो माय गॉड अब ये सीन <laughs> अब जो हमें भी आंसू लाने पड़ेंगे हाँ। <laughs> स्ट्रेस <laughs> इसके साथ भी यही है फारूक साहब हाँ। बहुत इम्प्रोवाइज कराते हैं मैंने सुना है वो आ, कुछ सोच के हो सीन में कभी कुछ तो कोई है ऐसी एग्जांपल जो आप लोग सोच के आए कि ये करेंगे फिर उन्होंने आपसे कुछ और करवा दिया बहुत कर हुआ नहीं? नहीं नहीं बहुत दफा हुआ है वो आ, मतलब वो कहते हैं कि नहीं यार ये इसलिए कुछ ड्रामा लग रहा है इसको हाँ। जरा ओवर नहीं करना है। क्योंकि एक हमें है इससे पहले वाली जो एपिसोड है उसमें हम लोग बहुत रोए हैं वो टूट के रोए एक तो बात एक वो ये मर गया अच्छा अब प्रॉब्लम ये होती थी कि हमारे सीन्स ना कंटिन्यूसली नहीं होते थे समझो कि हमने एक हॉस्पिटल का सीन किया ये रो लिए फिर दो हफ्ते बाद वही सीन हुआ अब फिर वहाँ से रोना शुरू yeah. <coughs> तो वही वाली बात थी ना कि बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा रोना 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 हो गया था उस एपिसोड में लेकिन वो फिर वो सबने फील किया hmm. एक्टर्स ने भी फील किया हमने भी फील किया तो यार ठीक है hmm. वहाँ तो जस्टिफाई होता justify था रोना गाड़ी में भी जस्टिफाई हो रहा है इधर भी जस्टिफाई हो रहा है तो लेकिन दादा कभी कभार हम लोग को नहीं छोड़ देते अगर हम खुद भी कभी कभार कहते दादा कहते थे मज़ा नहीं आया यार नहीं। मैं बताता ओके ओके मैं बताता हूँ दादा नहीं ना अच्छा अब हम लोग थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो रही है दादा दादा नहीं दादा, दादा समझे कहते आप करके तो देखें ना जो okay. मैं कह रहा हूँ वो भी करें हाँ, जो आप लोग कर रहे हैं वो भी मैं रखूँगा टेक्ट ठीक है फिर आप देखिएगा फिर हम कहते थे

वर्किंग विद खान आपके और उनके तो बड़े क्लोज सीन्स hmm. और मज़े के सीस हैं केमिस्ट्री भी बड़ी अच्छी है आप दोनों की ऑन स्क्रीन है पहली बार मिली तो कैसा था ओवर द टाइम मैं तो तो? को पहली बार एल uh, में yeah. हम लोग का टकराव हुआ था अच्छा हाँ हम लोग कुछ ले रहे थे मैं कुछ ले रही थी उसने मुझे देखा फिर उसके बाद हम लोग का टकराव यहाँ पाकिस्तान में हुआ जब मैं आई hmm. इससे बहुत पहले okay. फिर हम लोग बैठे थे महरीन भी थी मह जबार वगैरह हम लोग सारा वहाँ सिटिंग हुई थी फिर उसके बाद भी दो तीन बार से मेरी हाँ, 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 जब उसको पता चला मैं हूँ जब मुझे पता गे। 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 चला मैं हूँ तो <coughs> वो अनदेखी सी एक बाउंडिंग सी पैदा होगी कि अब मज़ा आएगा यार या। वो वाला है कि यस मायरा तो माशाल्लाह से कर रही थी मूवीज़ में भी किया था उसने हम लोग मैं तो बिल्कुल डेढ़ साल से कुछ भी नहीं कर रही थी प्रैक्टिस ही नहीं रही थी

हर कोई बहुत ही ज्यादा बट मायरा इज और बड़े मजे मजे के उसने खाने भी वैसे मजे मजे के मंगवाए तो वो हम लोग खाना वाने का जो था ना वो हमारा मेकअप वाले जो थे ना वो जरा कंट्रोल करते थे कहते थे नहीं नहीं थोड़ा कम खाना है मायरा कम खाना है वो बेचारी <laughs> वो फंस जाती नहीं खाने दो प्रेशर है ना कांस्टेंट प्रेशर है तो hmm. वो लेकिन ये था कि अभी भी ये है कि मायरा मेरे ख्याल गई भी है शायद ये ये है, गई hmm. है <clears throat> अभी एक दो और बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही है वो yeah. Yeah, doing a hmm. yes. टेलीफिल्म yes.

उस्मान मुख्तार भी डार्लिंग है वो तो यार, यार। वो तो बेबी है वो तो हम तो, शूट पे गए थे हम हाँ। इंटरव्यू गए थे उसी में आके दो तीन दफ़ा हमें इतने मज़े के उन्होंने उसका हाँ 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 टू हिम हाँ बहुत सीधा बच्चा है वो हाँ। और वो वो जो है ना वो वही है उस्मान जो है वही है वो उसको ना कोई चलाकियाँ वगैरह नहीं आती हैं बिल्कुल भी नहीं है वो कहीं से भी नहीं लगता है

तो हाउ वज इट डिफिकल्ट क्या चेंज करना पड़ा देखिए पहले तो आप लोग एक्टिंग फॉर्म ऑफ एक्टिंग चेंज करनी पड़ी थी हमें टी वी की जो एक्टिंग थी ना वो वाली वो वो डिफरेंट थी अभी जो अब जो एक्टिंग होगी ना थोड़ी सी है तो रखना तो नेचुरल है लेकिन आपने अपनी एक्टिंग को बदलना है मतलब आपने कहते हैं ना विद द फ्लो वो करना है मतलब पहले कुछ और हम लोग दस मिनट ले रहे होते ओके, okay. अब नहीं कर सकते। है ना बहुत हाँ बहुत कम डायरेक्टर्स होते थे जो जैसे सायरा जल्दी जल्दी बोलना है नेचुरल चाहिए मुझे नेचुरल चाहिए तो कुछ ऐसे डायरेक्टर्स होते थे जो कि बिल्कुल स्लो अब वो स्लो पेस जो है ना वो मज़ा नहीं आता है अब उसको फास्ट करना है हम लोग उसके आधी थे स्लो पेस एक्टिंग के तो वो चेंज करना पड़ा हाँ 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 एक्सप्रेशन हैं हमारे बड़ी hmm. चीज़ें पहले लाउड होते थे स्टेज हुआ करता था अभी भी स्टेज है hmm. अभी भी देखा जाए तो बहुत सारे एक्टर्स हैं वो हाथों से ज़्यादा एक्टिंग yeah. कर रहे होते हैं hmm. इशारे कर करके hmm. तो मेरा ख्याल है कि एक्टिंग आप इधर से भी कर सकते बस इतना आपका लेवल है ये इधर से भी अननेसेसरली मूवमेंट ऑफ हैंड्स आईज सब खत्म हो गई है हाँ हाँ okay. वो ये तो अच्छा हुआ है वो अच्छा हुआ है लेकिन अभी जैसे बहुत सारे मैंने नोट किए कि हाथों के जेस्चर्स बहुत ज़्यादा तभी ना सी पी यू बिग बी सी यू लगाते थे, थे बिग क्लोजअप सारा काजमी ये इतना होता था उनका और ये पूरा देखे काफी क्लोजअप थे हाँ हाँ तो वो अब आप क्या करेंगे अब हाथ नहीं हिला सकते अब ये है कि अब जो है वो अगर आप मैं एक्टिंग में अगर यूं कर रही हूँ ना ये ये अननेसेसरली नहीं दिखानी होती चीजें आप दिखा रहे हैं आप दिखा रहे हैं, अगर मैंने यूं, यूं किया तो तुमने भी फिर यूं किया है फिर मैं यूं करूंगी तुम भी यूं करोगी तो वो अननेसेसरली चीजें हैं आपने वो तो मैं आपको बता रही हूँ अच्छा ये उतना प्रेशर कभी फील हुआ है जब आप वापस आई हैं कि या ये इतनी नई जनरेशन है और मैं इतने अरसे बाद आ रही हूँ तो मुझे उस तरीके मुझे से हुआ था, मुझे करना है हुआ है मैंने अभी जो दीदन किया था उसमें मुझे हुआ क्योंकि मेरा अलग कैरेक्टर था वो वहाँ प्रेशर हुआ क्योंकि आपने टोन बदलनी थी अभी तुम क्या करे अभी हमने तुमको मारना है वो वाला तो वो बिल्कुल एक और ही वो फिर सनम

ये अच्छी बात है सब रिस्पेक्ट करते हैं प्लस पॉइंट ये कि सब रिस्पेक्ट करते हैं mm -hmm. लड़कियां हुए लड़के हुए सारे और ये अच्छी बात है यार मतलब सीनियर्स mm -hmm. की आप करोगे सीनियर की क्या आप किसी की हर किसी, किसी। mm -hmm. जूनियर की भी करो जूनियर भी वही इंसान है मतलब सीनियर भी वही है इंसान की ही रिस्पेक्ट करें बड़ी बात होती है तो अभी मैंने गज़ाला कैफ़ी के साथ एक शो किया था हम दोनों ने अभी अच्छा। आएगा पी टी वी के लिए किया तो उसमें भी बड़ी मज़े मजे की बातें हुई थी काफ़ी कि अब क्या तो पहले क्या अब आप लोग तो यही पूछते होंगे ना अब अब हम जैसे एक्टर्स के क्या, क्या क्या डिफरेंस था पुराने में क्या था ये वो तो बस वो वाला टॉपिक भी वही था और ये टॉपिक तो चलता ही जाता है आई नो खत्म नहीं होता है बट <laughs> अच्छी बात है हर कोई आके ना एक डिफरेंट पॉइंट बताता है आपने एक डिफरेंट बात बताई है पहले जो लोग आए उन हर कोई अपने परस्पेक्टिव से जो उनको लग रहा होता होता है um, एक बात बताएं कि आपने शादी नहीं की अब इस स्टेज पे कभी लोनलीनेस फील होती है आपको और अगर मैं आपसे कहूँ कि वो लड़कियाँ जो सोच रही हूँ जो बिकॉज अब जनरेशन बड़ी चेंज हो गई है ना अब लड़कियाँ बड़ी इंडिपेंडेंट हो गई हैं शादी ज़रूरी नहीं रही है या वो प्रायोरिटी नहीं रही है तो आप उन्हें कोई एडवाइस देना चाहेंगी कुछ कहना चाहेंगी और ख़ुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी अच्छा मैंने ना अगर शादी नहीं की है तो सच बताओ मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है बिल्कुल आई एम मैं तो ऑनेस्ट फ्रीडम ओके मैं उस फ्रीडम को फ़ायदा उसका नहीं उठाऊँगी बुरा फ़ायदा नहीं उठाऊँगी उसका बट आई वॉन्ट टू बी फ्री और अगर मैं शादी कर लेती तो मैं अपने आप से अपने हसबेंड से अपने बच्चों से सबसे ज़्यादाती करती okay. क्योंकि मैं मुझे पता है ना मैं सेल्फिश हो जाती फिर mm -hmm. मैं उनको वो चीज़ नहीं दे पाती मैं तो बहुत ज़्यादा हाँ मैं तो वो हूँ कि मुझे कोई ऑर्डर्स मुझे पसंद नहीं है hmm. कि ऑर्डर दे रहा हूँ चाय hmm. बनाओ यार खुद hmm. बना लो यार क्या हाथ पाँव टूट गए तो वो वाली चीजें हैं ना वो अच्छा मैं दूसरा ये कहूंगी कि आ, hmm. जो मैं रिग्रेट लोनली कौन नहीं होता यार yeah. ऐसे मोमेंट्स आते हैं आप भी होते हुए hmm. दोस्तों को कॉल कर लिया hmm. या कभी कभार लोनलीनेस इतनी अच्छी लगती है You know, आप बहुत कुछ कर सकते हो लोलीनेस में यू नो you know, वो एम नहीं होती है वो एम टी मोमेंट्स नहीं होते हैं वो भरे हुए होते आ, हैं वो हो, हो, तो <clears throat> आ, मैं तो यही बोलूँगी कि अगर मैंने नहीं की तो ठीक है कुछ वजहें भी होंगी कि दिल नहीं कर रहा था मुझे किसी का भी नहीं पसंद अकेला रहना पसंद है फ्रीडम पसंद है लेकिन आ, अब जो करना चाहते हैं वो करें hmm. जो नहीं करना चाहते आई थिंक कोई uh, मजबूरी नहीं, नहीं है बिल्कुल मजबूरी नहीं है मजबूरी hmm. नहीं है yeah. जो जिस तरह खुश रहे exactly. hmm. मेरे पांच उंगलियां बराबर नहीं होती ना <laughs> नहीं बिल्कुल भी नहीं <laughs> 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 नहीं बट आई वाज जस्ट क्यूरियस मैंने कहा हो सकता है आप कुछ एक्सपीरियंस से शेयर कर लो हाँ नहीं तो मेरा नहीं? यही है कि अगर अगर शादी के बाद कोई भी समझता है कि इसको हम लेके नहीं चल सकते नहीं। वैसे so तो, पता, तो नहीं 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 हाँ। नहीं पता नहीं चल रहा होता ना पता नहीं चल रहा होता इट्स अ प्रो प्रोडक्शन चीज़ है कि नहीं पता चलता है पहले तो अगर ये है कि अगर डबल थॉट भी है ना यार नहीं चलेगी तो फिर ना करें यू नो वो फिर वो फिर बड़ा अपने आप से फाइट कॉन्फ्लिक्ट वो सारा कुछ लेकिन हर हर इंसान एक अपनी पर्सनालिटी रखता है ना हो सकता है।, है इतनी अच्छा रिलेशनशिप भी हो आई मीन हस्बैंड और वाइफ का खूबसूरत रिलेशनशिप भी हो, हो। इससे भी सकता है उससे ज्यादा खूबसूरत हो भी नहीं कोई सकता है लेकिन वही वाली बात है अब डिपेंड करता है कि किस रिलेशनशिप को किस तरह लेके जाना और है वो इंसान किस तरह का एग्जैक्टली एग्जैक्टली आप इतने अर्स मतलब आपने आहट के ज़माने का काम किया हुआ है ऐटी सिक्स एटी एटी नाइन नाइन्टीज़ में फिर अभी भी कर रही हैं उस ज़माने में इंडस्ट्री में क्या ये इश्यूज़ होते थे जिनके बारे में हम आजकल बात करते हैं मे बी वूमन राइट की हरासमेंट की फेवरेटम की नेपटिज़म की जब आप उस वक्त इंडस्ट्री में थी तो उस वक्त हमारी इंडस्ट्री में ये सारे इशू थे जो अब हम मतलब बात करते रहते हैं कि हो रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेवल पर चेंज हुआ है कम हो गया है पहले नहीं था अब है उस ज़माने में ना इतनी अवेयरनेस नहीं, okay. नहीं थी उस ज़माने में अवेयरनेस नहीं थी उस ज़माने में थोड़ा सा बंद सा माहौल हुआ करता था आई रिमेंबर आई वॉज़ बॉर्न इन पिंडी तो पिंडी बहुत ही छोटी सी जगह होती थी और कोई ज़्यादा इतना गंद नहीं था आई रिमेंबर बाहर भी खेलने चले जाते थे अब तो बच्चों को बाहर खेलने का तो पता ही नहीं चलता अब तो इवन अब ज्यादा एडवांस हो गया है लेकिन अंदर और ज्यादा अंदर हो गया है है एक तरह से That's true, yeah. है ना मतलब हा, 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 बहुत हा. मतलब जितना करेंगे कि वो बाहर वो चीज नजर आती वो नहीं आ रही वो है, नहीं आ रही है। कहने को हम बहुत एडवांस हो गए उस जमाने में भी अब हुआ करता था औरतों के साथ तो हमेशा रहे आपको क्या लगता है कुछ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती थी उस वक्त

अब अगर अगर दिखा भी रहे न्यूज में भी दिखा रहे हैं मीडिया में भी दिखा रहे हैं उसका कोई रिजल्ट सामने आ नहीं रहा है नहीं बिल्कुल भी नहीं मतलब ये वॉक तो है ये टॉक्स है, है, है ये सारा जी, जी, जो भी चल रहा है इसका एंड ऑफ द डे क्या है यार इसका क्या क्या व्हाट इज देर एनी एनी फुल स्टॉप टू इट और दिस विल टू सम एक्सटेंट होता है कि जैसे सोशल मीडिया पे एकदम से कुछ इंसीडेंट हो तो उसकी कॉन्वर्सेशन बहुत स्टार्ट होती है लोग रिएक्ट करते हैं तो यस ये तो नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं हाँ. कि अगर शायद उस इंसिडेंट को कोई तवज्जो ही नहीं देता तो अथॉरिटीज़ एटलीस्ट उसको तवज्जो तो देती हैं अब रिजल्ट हो सकता है हंड्रेड परसेंट हमारी उम्मीद या हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं हो लेकिन ये है कि ये नहीं हो सकता कि अब उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करके चले जाएँ You know, ये, ये वही वाली बात है ना हर चीज़ का आपको फायदा और नुकसान तो मिलेगा, मिलेगा exactly. सोशल मीडिया ऑन भी ऐसा हुआ हुआ कि बिल्कुल ही कुछ लोग तो चाह रहे यू नो hmm. you know, कि उनकी शादियाँ लिंगर ऑन करती जाए करती जाए करती जाए करती जाए करती जाए फिर उनके बच्चे हों तो फिर वो मतलब इतना ज़्यादा अंदर आ गए हैं घरों के मतलब बिल्कुल वही वाली बात है एक्सरे हो रहे हैं हर कोई तो देर शुड बी लिमिट टू एट वो तो बहुत लगती है मुझे. हाँ वो वो बढ़ती तो जाएगी तो एक्सपोज करें बिल्कुल ठीक है लेकिन आप अपने को और चीज़ें भी होती एक्सपोज करने की यार आपकी एजुकेशन है आपका आपका मतलब अच्छी चीज़ें भी ऐसे ही है बहुत अच्छा लगा कि आप आएं और इतनी की, आपने आई होप पब्लिक को अच्छी लगी होगी हाँ, मेरी बातें मतलब, हाँ, तो अगर मेरे से कुछ गलत हो गया है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा मुझे इंसान है नहीं, मतलब नहीं। किसी का भी मैंने इस टाइम हर्ट किया है दिल अगर टूटा है या मेरी वजह से तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा आई होप कि आप लोगों को ये हमारी कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी हो और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारे मुल्क में जानवर है ना इनका ख्याल ज़रूर रखिएगा बिकॉज आई एम लाइक काइंड ऑफ एनिमल लवर तो जितने भी ये जानवर हैं इनका ख्याल रखें इनकी दुआएं जो है ना वो ऊपर तक जाती हैं और बद दुआएँ भी ऊपर तक जाती हैं <laughs> तो yeah. और बाकी एक दूसरे को प्यार से रखें और जुल्म ना करें एक दूसरे पे कोई फ़ायदा नहीं है hmm. तो बस आप लोग खुश रहें और बस हमारे ड्रामे देखते रहें और अच्छे अच्छे कामेंट्स करते जी हाँ और थैंक यू फॉर लाइकिंग द सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे और ट्राई करेंगे कि और भी अच्छे अच्छे ड्रामे बनाते रहें इन ठीक है फिर होती है आपसे मुलाकात खुदाफिज लव यू ऑल